वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। आज जो मैं ये सैलरी स्लिप लाया हूँ वो एसएससी जेई के थ्रू सेलेक्टेड जो सीपीडब्ल्यूडी जेईएन होते हैं उनका सैलरी स्लिप है। ये वर्किंग जेई हैं, दिल्ली पोस्टेड हैं, तो हम लोग आज उनका सैलरी स्लिप देखेंगे क्या कैसे जो है अमाउंट अभी उन लोग को मिल रहा है, और अभी जब डीए इंक्रीज्ड हुआ है उसके बाद जो न्यूली रिक्रूटेड जो जेई अभी जाएंगे जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है उन लोगों को कितना क्या पैसा मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग 2019 में हो चुका था तो इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। इस कारण से इनका जो बेसिक आप देख रहे हैं वो 36,500 हो चुका है, जो कि अभी जो इनिशियल जेई जो जाएंगे उनका जो बेसिक होगा वो 35,400 का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अभी 24% जो है वो एचआरए है, क्योंकि वो दिल्ली एक्स सिटी में आता है, तो 24% ऑफ बेसिक जो है उनको मिल रहा है 8,760। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उन लोग को मिलता है वो है अभी 4,212। ओके, नेक्स्ट डीए की बात करते हैं, जो कि अभी 17% जो है उसका सैलरी स्लिप है। जब डीए 17% था तो 17% ऑफ द बेसिक 36,500 अभी बेसिक उनका है इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो 6,205। तो ये पूरा उनका ग्रॉस सैलरी बन रहा है 55,677। ये तब बन रहा है जब उनका एचआरए 24% है और डीए 17% है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो सैलरी मिलती है उसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जिसे हम एनपीएस स्कीम के थ्रू जो डिडक्शन मिलता है जो कि रिटायरमेंट के टाइम हम लोग को वापस वो मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीपीएस में देखते हैं कि 10% ऑफ द बेसिक एंड डीए जो होता है वो सीपीएस में डिडक्ट कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीजीएचएस। ठीक है, ये स्कीम जो हॉस्पिटल जो हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं इसके लिए 450 रुपीज़ जो है डिडक्ट की जाती है, और एक जो है सीजीईआईएस है जो एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके तहत जो है 60 रुपीज़ डिडक्ट कर ली जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये यहाँ पर हम लोग सीपीएस रिकवरी देख रहे हैं, तो ये जो है एक स्कीम होती है गवर्नमेंट की जिसमें क्या है कि आप कुछ और सेविंग्स कर सकें, टैक्स बेनिफिट आपको कुछ मिल सके, इस कारण से बहुत लोग ये सेविंग के लिए डिडक्ट करवा लेते हैं। नॉर्मली लोग नहीं करवाते हैं लेकिन इन्होंने डिडक्ट करवाया है, तो हम लोग इसको जो है एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली लोग करते हैं और जो डिडक्शन करवाते हैं उसकी बात करेंगे, तो ये हम लोग जो है डिडक्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल जो है अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं सीपीएस रिकवरी वाले को, तो हमारा ओवरऑल करीब 5,000 जो है वो डिडक्ट नॉर्मल लोगों का होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें 55,677 इनका ग्रॉस बनता है और 5,000 करीब डिडक्ट कर लेते हैं, तो 50,000 जो है दिल्ली में इन हैंड सैलरी अभी मिल रहा है जब 17% ऑफ डीए और 24% ऑफ एचआरए हैं। नेक्स्ट जो न्यूली रिक्रूटेड जेई अभी जाएंगे उनकी बेसिक 35,400 होगी। उसके बाद जो है एक रूल आया था कि डीए जब 25% से इंक्रीज़ हो जाएगा डीए, तो एचआरए भी जो है वो एक्स सिटी के लिए 27% हो जाएगा, एक्स सिटी के लिए 27% हो जाएगा। डीए का तो न्यूज़ आ चुका है, एचआरए का कुछ दिन में आ जाएगा, तो एचआरए जो है वो 9, 18 और 27% हो जाएगा एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से। तो अभी उन्हें 35,400 बेसिक, एचआरए 27% ऑफ द बेसिक, डीए 28% ऑफ द बेसिक, 17 to 28 हो गया है अभी, तो 11% का इंक्रीज हुआ है। तो ये सारा जो पैसा होगा ग्रॉस, उसमें डिडक्शन क्या होगा, डिडक्शन यही सारी चीज़ें होंगी 10% ऑफ द बेसिक एंड डीए। उसके बाद सीजीएचएस ये सेम रहेगा और सीजीईआईएस सेम रहेगा। तो करीब करीब अब जो डीए इंक्रीज हुआ है और एचआरए जो इंक्रीज होगा थोड़ा उसके जब हम लोग लेंगे अप्रॉक्स, तो अराउंड 54,327 के अराउंड में अभी जो दिल्ली पोस्टेड होंगे या जो भी एक्स सिटी में पोस्टेड होंगे उनकी सैलरी इन हैंड आफ्टर डिडक्शन करीब करीब इतनी बन जाएगी। 1 जुलाई से जो है इफ़ेक्टिव हो गया है वो डीए। तो यही सारा सैलरी डिटेल है जो सीपीडब्ल्यूडी जेईएन न्यूली रिक्रूटेड जो जाएंगे या नेक्स्ट वैकेंसी से जो भी जाएंगे उस टाइम में। ये जो इंक्रीमेंट की बात है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंक्रीमेंट उनका लग चुका है, दो इस कारण से 36,500 सैलरी है। तो ये सैलरी स्लिप मैंने सीडब्ल्यूसी पे भी बनाया था, आप उसका भी दे सकते हैं। रेलवे में जो जेई काम कर रहे हैं उनका भी मैंने सैलरी स्लिप बनाया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं, और एज अ मोटिवेशन इन चीज़ों को ले सकते हैं कि हम भी जल्दी से सेलेक्ट होके और
जो भी डिज़ायर है उसको फुलफिल करें और अच्छे से अच्छे सैलरी को जो है ग्रैब करें। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए कि वो लोग भी मोटिवेट हों और अच्छे से जो है प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू।